मैंने चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक की पूरी जिम्मेदारी ले ली, पर तुम्हारे मम्मी पापा को मेरी बनाई हुई चाय पसंद नहीं आई। इस बार ऊंची आवाज में बात की है मुझसे, आइंदा से ऐसी गलती भी मत करना, वरना सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, 2 मिनट में तुम्हें घर से बाहर फिंकवा दूंगी। कब तक हम उसकी हरकतों पर पर्दा डालते रहेंगे? सुधरने का तो नाम ही नहीं ले रही है। तुम कौन होती हो इसे सुधारने वाली? अरे 2 घंटे के लिए मैं इसे तुम लोगों के पास छोड़ के क्या गया? हालत कर दी तुमने इसकी। तुम तो यही चाहती थी ना कि नायशा मर जाए या इसे कुछ हो जाए। अरे मुझे बोल दिया होता, कहीं दूर ले जाता इसे, कम से कम आज इसे दिन तो ना देखना पड़ता। आस्था, मैंने पहले ही तुमसे कहा था कि नायशा मेरी सिर्फ अच्छी दोस्त है और कुछ नहीं, तो फिर किस बात की जेलसी? अरे क्या बिगाड़ा इसने तुम्हारा? एक तो इसने पहले ही अपनी जिंदगी में इतने दुख देखे और अब तुम सब लोग मिलकर इसकी जिंदगी को नरक बना रहे हो। अरे एक तो इसकी सारी खुशियां छीन ली, कम से कम अब तो बख्श दो। डैड, उनसे तो मैं बाद में ही बात करूंगा, अब फैसला हो ही जाए। नायशा को इस घर में नहीं रहने देना चाहते ना, तो उन्हें मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना। एक बात तुम भी सुन लो आस्था, अगर नायशा को कुछ हो गया ना, तो तुम ये समझ लेना कि तुम मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो दोगे। जाओ अब यहां से, कहीं ऐसा ना हो कि गुस्से में मैं कुछ गलत कर बैठूं। जाओ आस्था। नायशा, नायशा प्लीज होश में आओ। नायशा, उनसे तो मैं बाद में ही बात करूंगा, अब फैसला हो ही जाए। नायशा को इस घर में नहीं रहने देना चाहते ना, तो उन्हें मुझे भी हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कहना। पापा जी, कुछ कहा करम ने पुत्र? अभी आप प्लीज शांत रहिएगा। मैं कौन सा उससे लड़ने जा रहा हूं, मैं सिर्फ आस्था पुत्र से पूछ रहा हूं। अभी कुछ पूछना जरूरी है क्या? छोड़िए ना उन सब बातों को। अब बात छोड़ने जैसी नहीं रही, हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। पर ऐसे में बात तो और बढ़ जाएगी ना। डॉली जी, बात खत्म तब होती है जब पूरी तरह से बढ़ जाती है, और आज इस बात का खत्म होना जरूरी है। रहने दीजिए ना पापा जी, इस बात को यही खत्म कर दीजिए प्लीज। वैसे भी करण बहुत गुस्से में है। ये क्या बात है? गलत फैसले ले खुद, गलतियां करे खुद, और हम बैठकर तमाशा देख रहे हैं। आप समझते क्यों नहीं? डॉली जी, समझने समझाने का टाइम गया, अब ये बात आप लोग समझ ले, समझ गए? पापा जी प्लीज मान जाइए ना, इस वक्त अगर कोई बखेड़ा खड़ा हो गया तो बहुत बड़ा बवाल हो जाएगा। ठीक है,
ठीक है आस्था पुत्र, तेरे कहने पर इस वक्त मैं चुप बैठ जाता हूं, पर ये मत समझना कि मैं इस पल को इतनी आसानी से भुला पाऊंगा। भूलूंगा तब जब वो यहां से चली जाएगी। वो यहां से जाएगी पापा जी, जरूर जाएगी, बस थोड़ा सा धीरज रखिए। हाँ पापा जी, भाभी ठीक ही तो कह रही है, अभी इन सब बातों में उलझना अच्छा नहीं होगा। आइए आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ था इन्हें? पता नहीं डॉक्टर साहब, अचानक बातें करते करते बेहोश हो गई। और आप इनके? जी मैं, एक्चुअली इनका इस दुनिया में हमारे अलावा और कोई नहीं है, ये हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। और नायशा ने ही आपका नंबर मुझे दिया था, बोला था इमरजेंसी में कभी भी जरूरत पड़े तो कॉल कर लेना। जब इन्हें स्ट्रेस पड़ता है तो बेहोश हो जाते हैं, आप प्लीज बाहर रुकिए, मैं जरा चेकअप कर लेता हूँ। जी डॉक्टर साहब। लीजिए पानी पी लीजिए, जब से आप आए हैं आपने पानी तक नहीं पिया। नहीं पीना है मुझे। आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपकी दोस्त को। दुआ करो कुछ ना, वरना वो सब हो जाएगा जो तुमने सोचा भी नहीं हो। मुझे भगवान पर पूरा भरोसा है, नायशा को कुछ नहीं होगा। शुक्रिया, अब तुम जा सकती हो, और वैसे भी नायशा की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें, वो मेरी जिम्मेदारी, मैं उसकी देखभाल अच्छे से कर लूंगा। तुम जाओ, जाकर घर वालों के साथ बातें बनाओ। करण, अब तो मेरे साथ ऐसा हो गया है कि अगर मुझे घर से बाहर थोड़ी देर के लिए भी जाना हो ना तो नायशा को साथ लेकर जाना होगा। पता नहीं मेरे पीछे से तुम लोग उसका क्या हाल करोगे। ऐसा नहीं है करण, जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल नहीं है, हम सभी उसका ख्याल रखते हैं। वो पता नहीं अपने मन में क्या लेकर बैठी है, समझ में नहीं आता वो क्या चाहती है। वो मुझे चाहती है। लेकिन तुम मेरी पत्नी हो तो मैं उसके साथ नहीं जुड़ सकता, और ये बात मुझे उसे समझाने में थोड़ा वक्त लगेगा, और उसे भी ये बात समझने में और स्वीकार करने में वक्त लगेगा। लेकिन ना घर वाले इस बात को समझने के लिए तैयार है और ना तुम समझने की कोशिश कर रही हो। आइंदा से आपकी इस बात का ख्याल रखने की पूरी कोशिश करूंगी। अभी भी इरादा पक्का नहीं है, अभी भी सिर्फ कोशिश करोगी। डॉक्टर साहब सब ठीक तो है ना? देखिए मैंने उसे इंजेक्शन दे दिया है, थोड़ी देर में उसे होश आ जाएगा, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर साहब? उसके दिमाग पर छोटी से छोटी परेशानियों का बहुत बुरा असर पड़ सकता है, वो अपनी याददाश्त भी खो सकती है। What? जी हाँ, इतना ही नहीं, अगर घर में कोई बड़ी बात हो जाए या कोई हादसा उसके सामने आ जाए जो वो बर्दाश्त ना कर सके तो शायद शायद क्या डॉक्टर? शायद उसकी जान भी जा सकती। देखिए मैं एक डॉक्टर हूं इसलिए आपको साफ साफ बताना जरूरी समझा, मेरी सिर्फ एक ही राय है, जितना हो सके उसे प्यार से हैंडल कीजिए, नहीं तो रिजल्ट आपके सामने होगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बाकी आपकी मर्जी। मेरी फिर भी राय है
प्लीज टेक केयर ऑफ हर। बस बहुत हो गया डैड, आज फैसला हो ही जाए। आप लोग बता दीजिए, अगर आप लोगों को नायशा को इसी तरह टॉर्चर करना है तो मैं उसे लेके कहीं और चला जाता। वाह, आज तेरी नजर में हमसे बढ़कर वो लड़की है जो तेरी कुछ नहीं लगती। तू उसके लिए हमसे बहस कर रहा है, हमें उसका दुश्मन समझता है, इस घर को छोड़ के जाने की बात कर रहा है, हमें छोड़ के जाने की बात कर रहा है। तो और क्या करूं डैड, दोस्त है वो मेरी और आज मरते मरते बची है, और आप लोग ये बात समझने के लिए तैयार ही नहीं है। एक लंबे अरसे तक वो कोमा में थी और उसके बाद याददाश्त खो चुकी थी, और आज जब उसे सब याद आया तो आप सब लोग उसके पीछे पड़ गए। वो अच्छी खासी होश में है, उसकी दिमागी हालत खराब नहीं है, उसने तेरा दिमाग खराब कर रखा है। तू ये समझने को तैयार नहीं है? अब क्यों बात को खामखा बढ़ा रहे हैं, अब प्लीज शांत हो जाइए। मामा प्लीज आज कुछ मत बोलिए, इन्हें बोल लेने दीजिए। इन्हें लगता है ना कि नायशा ड्रामा कर रही है, वो झूठ बोल रही है। तो क्या वो डॉक्टर जो बोल के गया है कि नायशा की हालत बहुत सीरियस है, वो भी झूठा है? बोलिए ना डैड, क्या डॉक्टर भी झूठ बोल रहा है? बस डैड बहुत हो गया, अब इस टॉपिक पे मुझे और बहस नहीं करनी है। आप जीते और मैं हारा, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है ना, ये समझ में आता है। आपको नायशा पर भरोसा नहीं है, ये भी समझ में आता है। और वो डॉक्टर, आपको उस पर भी भरोसा नहीं जो नायशा का केस हैंडल कर रहा है। इससे एक ही बात समझ में आती है डैड, कि आप ये चाहते ही नहीं कि नायशा इस घर में रहे। तू एक काम कर पुत्र, तू अभी नायशा के पास जा, हम कल बात करेंगे। मैं एक बात आप लोगों को साफ साफ बता देना चाहता हूं, अगर आज के बाद नायशा को जरा सी भी तकलीफ हुई या जो उसके साथ आज हुआ है वो दोबारा हुआ ना, तो आप लोग मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगे। करण, पापा जी प्लीज, प्लीज पापा जी प्लीज। इस वक्त हालात ऐसे नहीं है कि हम करण से लड़के नायशा को निकालने की बात करें। प्लीज पापा जी थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिए। कुछ चिंता मत कर पुत्र, मैं उन्हें समझा दूंगी। ऐसे रात को तो पूजा नहीं करती, कोई परेशानी है क्या? स्वामी मैं आस्था को लेकर परेशान हूं। क्या हुआ आस्था? मैंने तो ऐसा कुछ नहीं देखा, आस्था ने अकेले में तुम्हें कुछ बताया? आपको लगता है वो मुझसे अपनी परेशानी शेयर करेगी? क्यों नहीं करेगी,
अरे आस्था हक और इंसाफ के लिए लड़ने वाली लड़की गलत बात कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। याद नहीं तुम प्रतिष्ठा को अपना हक दिलाने के लिए वो किस हद तक गई थी, और जब मैं जेल में था तो उसी ने मुझे बाहर निकाला था। और क्यों? क्योंकि वो अच्छी तरह से जानती थी कि उसके पापा सही है। भूमिका, मेरी बेटी बुराई से लड़ने वालों में से। सोम, यही तो फर्क है आदमी और औरत में। आदमी बाहर भी लड़ सकता है और घर में भी, लेकिन औरतें बाहर चाहे कितना भी लड़ झगड़ लें, लेकिन औरतें अपने घर में अपनी ससुराल में मुंह बंद करके ही रखती है। भूमिका, तुम कहना क्या चाहती हो, साफ साफ बताओ। आपने वो लड़की नाइशा को देखा था ना? हाँ, क्यों? आपको क्या लगता है कौन है वो? मतलब बल्लू ने बताया था मुझे। अरे बल्लू ने क्या, खुद आस्था ने बताया था कि वो करण की अच्छी दोस्त है और उसका इस दुनिया में कोई नहीं है। और बल्लू भी कह रहा था कि जब तक उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल जाता वो यहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही उसके लिए कोई अच्छा रिश्ता मिल जाएगा वो वहां से चली जाएगी। सौम, में जिंदगी पर्दे पे चलने वाली फिल्म की तरह होती है, उसमें जो दिखाई देता है जरूरी नहीं वो सब सच ही हो। भूमिका, पहलिया मत बुझाओ प्लीज। जब मैं वॉशरूम गई थी ना, तब मुझे वहां पर नाइशा मिली थी, बता रही थी मुझे। सुना है आस्था की माँ तो उसे पैदा करते ही मर गई थी, फिर अंकल जी ने आपसे शादी की। ओ, सो इसका मतलब तो आप उसकी सौतेली माँ हो। अच्छा, तो इसी बात को लेकर तुम परेशान हो, लेकिन भूमिका मैं तो यही कहूंगा कि परेशान मत हो, क्योंकि आस्था भले ही हमारी बेटी हो मगर अब ससुराल जाने के बाद हमें उसकी जिंदगी में एक हद से आगे इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर आस्था खुद चलकर हमें इस बारे में कुछ बताएगी तो हम जरूर बात करेंगे, मगर फिलहाल तो मैं यही कहूंगा कि तुम इस बारे में सोचना बंद करो और सो जाओ। आप चलिए, मैं भी आती हूँ। नायशा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ओह गॉड, सर बहुत भारी हो रहा है करण। कल क्या हुआ था मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। तुम बेहोश हो गई थी नायशा। एक्चुअली गलती मेरी है, मुझे तुम्हें घर पे अकेला नहीं छोड़ना चाहिए था। रियली सॉरी। नहीं करण, ऐसे मत बोलो। अब होश आ गया है ना, इतना ही काफी। तुम कैसा फील कर रही हो? बेटर करण, मैंने अंकल आंटी को बहुत परेशान किया है, इसलिए मैं सोच रही हूँ मैं घर छोड़कर चली जाती हूँ। वैसे भी ये लोग मुझे पसंद नहीं करते, मेरा यहाँ से जाना ही अच्छा होगा। नायशा, अपनी सोच को अपने पास रखो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, तुम यहीं रहो और ज़्यादा फालतू सोचा मत करो। अरे मैं सच कह रही हूँ, मेरी वजह से उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती है। नायशा, तुम मेरी दोस्त हो, तुम कहीं नहीं जा रहे हो, और मैं ये बात बार बार रिपीट नहीं कर सकता हूँ। और अगर तुम्हें ये डर है कि तुम्हें इस घर में कोई कुछ कहेगा, तो ये डर अपने दिल और दिमाग से बिल्कुल निकाल दो, क्योंकि आज के बाद मेरे होते हुए तुम्हें इस घर में कोई भी कुछ नहीं कहेगा।
इतना सब कुछ होने के बाद भी तुम मेरा साथ दे रहे हो। आज मुझे एहसास हुआ कि इस दुनिया में मेरा भी कोई अपना है। बस अब तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारा वेट ब्रेकफास्ट टेबल पे करूँ। ओके, नाश्ता लगा दिया है। आपकी इंपॉर्टेंट मीटिंग है ना, आपको देर हो रही होगी। मैंने इस वीक की सारी मीटिंग्स कैंसिल कर दी आज। क्यों? मैंने कितनी बार तुम लोगों से कहा है कि नाइशा को परेशान मत किया करो। वो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन तुम लोग मेरी सुनते ही नहीं हो। और अब मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। मुझ पर भी नहीं? शायद नहीं। करना प्लीज ऐसा मत कहिए, मैं कभी भी नाइशा को तकलीफ नहीं देना चाहती। अब घर में दो बर्तन भी साथ हो तो खनकते तो है ना, हम तो इंसान हैं। आस्था, नाइशा हमारे घर की नहीं है, वो यहाँ रह रही है, वो बीमार है और मुझे उसे प्रॉब्लम में देखना अच्छा नहीं लगता। मैं अपने ऊपर किसी भी तरीके का कोई भी ब्लेम नहीं चाहता हूँ। मैं आपकी फीलिंग्स को समझ सकती हूँ करण। तुम सिर्फ कहती हो, करके तो दिखाओ। मैं पूरी कोशिश करूंगी। तुम ये सोचो मेरे पास कितना काम रहता है। अगर मैं ऐसे घर की बातों में लगा रहूंगा, मेरा काम में ध्यान लगेगा? ठीक है करण, मैं नाइशा का और ध्यान रखने की पूरी कोशिश करूंगी। कोशिश करूंगी कि उसे कोई तकलीफ ना हो। पर तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है, उसमें मैं क्या कर पाऊंगी? ठीक है, तबीयत तो कभी भी खराब हो सकती, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि नाइशा को हमारी तरफ से कोई भी मेंटल प्रेशर ना हो। इस बात का ध्यान प्लीज रखा करो। ओके करण, यू डोंट वरी, मैं उसका ध्यान रखूंगी। और जैसे कल मैंने तुम्हारे केयर की थी, वैसे नाइशा की तुम किया करो। आस्था मेरी हेल्प करो, तभी मैं काम में ध्यान दे पाऊंगी। ठीक है, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगी करण। नाश्ता रेडी है, चल। ओके। मैं आपको सिर्फ ये बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आप किसी और वजह से परेशान हैं और सारा गुस्सा पापा जी पर निकाल रहे हैं, ये गलत है करण। मुझे सही और गलत पता है। ठीक है, तो आज के बाद मम्मी जी और पापा जी के लिए मेरे सामने ऐसी बातें प्लीज मत कीजिए। मुझे ना ही बड़ों से ऐसी बातें करना पसंद है और ना ही मैं किसी और को ऐसी बातें करते सुन सकती। ओके, मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि इस घर के सारे फसाद की जड़ नाइशा को ही ठहराया जा रहा है।